आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे ट्रैवलिंग के वीजा के एक और नई सीरीज में आज के इस सीरीज में हम बेसिकली थाईलैंड के वीजा के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडियन से अपन सबसे ज्यादा जो घूमने जाते हैं चल मारने की जगह है वो है थाईलैंड तो अपन अब तक में बहुत सारी वीडियो वीजा के रिगार्डिंग अलग अलग देश के ऊपर बना चुके हैं तो बिना ही टाइम को ज़ाया किए अपन चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और शुरू करते हैं इस नए थाईलैंड की सीरीज की वीडियो को तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं थाईलैंड का जो वीजा है हाँ चलो तो थाईलैंड का जो वीजा है बेसिकली वो दो तरीके से मिल सकता है एक तरीका जो चलत, चला आ रहा है सालों साल से जो आप पहले से भी जानते हैं वो है दिस इज कॉल्ड द वीजा ऑन अराइवल इसका मतलब क्या कि आप फ्लाइट में बैठे आप फ्लाइट से लैंड किए थाईलैंड पे वहां पे लाइन में लगे आपको फॉर्म मिला अपनी आप पासपोर्ट साइज फोटो वहां पे लगाए अपनी प्रॉपर डिटेल दिए डिटेल देने के बाद आप वहां पे क्या करते हो अपनी पासपोर्ट की डिटेल लिखे होटल्स के बारे में बताए ये सारे प्रोसेस जो चलते रहते हैं इसके बाद आपको वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर से आपको पूरे सारे कांटेक्ट होते हैं आप बातचीत करते हो वहाँ पे आप एक इंटरव्यू होती है ज्यादा कुछ नहीं नॉर्मल से आपसे डिटेल पूछती है और आपको अप्रूवल मिल जाता है और आप वीजा आपको मिल गया आप थाईलैंड में जाके घूमना शुरू कर दिए तो ये था पुराना तरीका पुराना भी कह सकता हूँ और ये भी कह सकता हूँ अगर आपको चीप तरीके से काम करना हो तो मतलब एक कन्वीनियंस के साथ आप ऑप्शन ले सकते हो बट अगर आपको इससे भी कोई अच्छा चाहिए कोई ऐसा ऑप्शन जो कि घर बैठे आपको प्रॉपर एक वीजा मिल जाए उसके बाद आप जाओ कोई इशू ना हो सो so, उसके लिए एक नया ऑप्शन आया दिस इज कॉल्ड ई वीजा ऑन अराइवल जी हाँ दोस्तों ये ई वीजा ऑन अराइवल ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए आपको जो वीजा ऑन अराइवल है ये आप घर बैठे ऑनलाइन ही इसे अप्लाई करके ले सकते हो इसके बाद आपको जो वहां पे ई वीजा ऑन अराइवल वाली जो लेन है उसमें ना लग के आपको एक स्पेशल वीआईपी वाली लाइन में मस्त लग के अपने डॉक्यूमेंट वहां पे दिखा कि इमिग्रेशन को पास करके आप इजिली वहां पे जा सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए आपको आना है सबसे पहले वी ग्लोबल की वेबसाइट पे ठीक है मैं अपन आ गया तो यहाँ पे ये यह लिखते हैं दिस इज वेलकम टू ऑफिशियल टैलेंट ई वीजा ऑन अराइवल वेबसाइट ओके तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पे तीन ऑप्शन मुझे देख रहे हैं पहला है अप्लाई नाउ का जहाँ पे मैं क्लिक करके अप्लाई कर सकता हूँ दिस इज सेकेंड है हाउ टू अप्लाई इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको कैसे क्या अप्लाई करना है फिलहाल आपको ये पढ़ने की कुछ खास नहीं, नहीं है बिकॉज आपका ट्रेवल एवुशन पे बैठा हुआ है so, सो आपको मैं पूरी तरीके से गाइड करूंगा किस तरीके से क्या क्या करना है उसके बाद अगर आपने ये सारे प्रोसेस कर लिए हैं इसके बाद आपको जो नंबर मिलेगा आप उस नंबर के अनुसार अपने ट्रैकिंग स्टेटस को देख सकते हैं आपका जो ये वीजा ऑन अराइवल का जो प्रोसेस ये है ये कहाँ तक चला इसके अलावा नीचे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग दी हुई है फिलहाल इसके बारे में हम लोग बाद में लो बात करेंगे इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल लूंगा वहां से आप चेक कर लेना तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आते हैं इस इन्फॉर्मेशन वाली टैब में और कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं सबसे पहले देखते हैं हु कैन अप्लाई फॉर ई विजा हाँ भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनैलिटी देखते हैं जी हाँ आप ये देखिए इंडिया इंडिया भी इस कंट्री लिस्ट जो ये लिस्ट है इसमें बहुत सारी कंट्री के नाम है इसमें इंडिया का भी नाम है जहां पे अपन ई वीजा ऑन अराइवल प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं चलिए सेकेंड है यहाँ पे यहाँ पे कुछ चार एयरपोर्ट्स के नाम दिए गए है जहां वीजा हैं जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल सर्विसेज अवेलेबल हैं जिसमें सबसे पहला है स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरा है मेरा डोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीसरा है मेरा चियांग माई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चौथा है मेरा लेंडलास्ट फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है तो बेसिकली यहाँ पे कुल तीन सिंपल स्टेप है सबसे पहले आपको प्रोवाइड एप्लीकेशन डिटेल एंड अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको एक इंपॉर्टेंट जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सारो को अपलोड करना है आपको सेकेंड स्टेप है जो फीस है उनकी पर्टिकुलर फीस पे करनी है तीसरा है आपको प्री अप्रूवल ई वीजा ऑन अराइवल का जो आपको रिसिप्ट मिलेगी आपको उसे डाउनलोड कर लेना है इसके बाद अपन कैसे क्या क्या प्रोसेस है अभी सब जानेंगे वेट कीजिए सब कुछ आपको देखने को मिलेगा हाँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एट द एयरपोर्ट इसके अंदर एक ऑप्शन आता है एस सुन एज यू अराइव इन थाईलैंड विद द प्री अप्रूवल ई वीजा ऑन अराइवल फॉलो द स्टेप मेंशन बोलो ठीक है आपको सबसे पहले वीजा ऑन अराइवल की जो इमिग्रेशन वाले एरिया है वहां पे जाना है एक अलग से वहां पे आपको डेडिकेटेड लेन मिलेगा ई वीजा ऑन अराइवल वाली लेन का तो आपको पर्टिकुलर उसमें चले जाना है उसके बाद जाके आपको अपना जो पासपोर्ट है उन्हें वो दिखाना है आपको जो प्रिंटेड प्रिंटे प्री अप्रूवल वीजा है आपको वो दिखा देना है ठीक है अब ये कर देना इसके बाद जो इमिग्रेशन रिसिप्ट है टू द ऑफिसर आप ये सारी चीजें उन्हें दिखा दोगे इसके बाद वो फाइनली आपके पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगाएंगे उसके बाद वो आपको परमिशन दे देंगे थाईलैंड के अंदर एंट्री की उसके बाद आप जाके चिल मार सकते हो ठीक है हाँ भाई सबसे मेन मुद्दा कि वीजा की फी कितनी होगी देखो नॉर्मल अब तक जो हम लोग वीजा ऑन अराइवल प्रोसेस करते हुए आए हैं जिसमें कि अपन के दो हजार थाई बाट लगते हैं ठीक है एक थाई बाट सवा एक से डेढ़ रुपए इंडियन रुपए के आसपास होता है सो उसके अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं और ये है रेगुलर सर्विस फी जो कि लगती है हमारी पाँच सौ थाई बाट तो देखो कुल मिला के कि ये कितने लगेंगे मेरे पच्चीस सौ रुपए लगेंगे अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ अगर आप वीजा ऑन अराइवल लेते हो तो ऑफिशियली तो यहाँ पे दो हजार हुए हैं इसके अलावा भी आपके जो पैसे लगते हैं जो तो वो अनऑफिशियली रहता है वो ऑफिशियली पैसे नहीं रहते हैं बट फिर भी आपको 2000 की जगह 2200 सो तेईस रुपए देने पड़ जाते हैं तो उसमें लाइन में लग के इतना मच मच करने का क्या ही मतलब है उससे अच्छा अपन यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करके घर से चल मार के हीरो बन के जाएंगे so, सो पच्चीस सौ बाट आपको पे करने पड़ेंगे इसमें भी एक चीज़ है अगर आपका सडनली प्लान बनता है घूमने जाने का आप सडनली कहीं घूमने चले गए और उसके लिए आपको जल्द से जल्द अगर वीजा करना है सो विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स की बीक सर्विसेज दी गई है जिसके अंदर आप एक एक्सप्रेस वीजा की जो फी है दिस इज टू थाउजेंड और जो उसकी सर्विस की फी है पच्चीस होता है बट आप ये दे के आपको विद इन ट्वेंटी फोर आवर मेल आ जाएगा और आपको जो वीजा है वो अप्रूव हो जाएगा देखो भाई जल्दी जाइए तो पैसे आपको पे करने पड़ेंगे मैं जानता हूँ इसके अकॉर्डिंग इसकी जो फी है थोड़ी सी ज्यादा है बट सर्विसेस में भी फैसिलिटी है सो इसकी वजह से अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट देनी है हमें सबसे पहला आपको जो है पासपोर्ट देना है ठीक है अब इसमें देखो लिखा है भाई दो सौ के भी जो है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है पासपोर्ट के अंदर की जो चीजें होती हैं आपको वो देनी है मतलब जो फर्स्ट पेज होता है आपका इसपे आपकी जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है मैं भी आपको सब दिखाऊंगा निश्चिंत रहें इसके अलावा आपको डिपार्चर एंड रिटर्न की एयरलाइन टिकट एक कंफर्म एयरलाइन टिकट होनी चाहिए ऐसा नहीं कि मैंने बुक कर दिया और मैंने पैसे पे नहीं की ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कंफर्म उसमें रिसिप्ट ट्रांजेक्शन आईडी भी कभी कभी मांग लेते हैं सो ये आपके लिए होनी चाहिए इसके अलावा फुल ट्रिप ऑफ एकोमोडेशन मतलब आप किस होटल में रहोगे कैसे क्या करोगे इसकी भी आपको एक इमेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसके अलावा आपको एक फोटोग्राफ जिसकी की साइज यहाँ पे मेंशन है आप देख सकते हो चार बाई छ इनको साइज है और इसकी जो साइज है फोटो की दिस इज अराउंड दो सौ केबी के आसपास के ठीक है और बाकी यहाँ पे चीजें वही लिखी हुई हैं चार बाई छ की ओनी चाहिए जो की आईसीए स्टैंडर्ड फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग मांगी गई है आपसे प्रोसेसिंग टाइम अब अपन ये देखो द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द ई वीजा ऑन अराइवल इज वीजाइव ट्वेंटी फोर आवर टू सेवेंटी टू आवर के बीच में आपका हो जाएगा इफ योर एप्लीकेशन हैज बिजनेस डेज ठीक है तो इसके अंदर आपका हो जाएगा मतलब चौबीस घंटे से बहत्तर घंटे के अंदर अंदर एंड अगर आप एक्सप्रेस वीजा सर्विसेज की फीस लेते हो तो उसके लिए आपको विद इन ट्वेंटी फोर आवर के अंदर आपकी सर्विसेज फुलफिल कर दी जाएगी ओके okay? अब बनाते हैं पब्लिक हॉलीडेड क्लोजर ये सब ठीक है चलता रहेगा अब सबसे मुद्दे की बात जो इन्फॉर्मेशन है मैंने तो बता दी आपको सारी चीजें कैसे क्या चीजें अब मैं आपको करके नहीं दिखा है करना कैसे है सबसे पहले आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है अब इस पे जाओगे ठीक है यहाँ पे अब आपको तो अकाउंट बनानी है तो सबसे पहले आपको साइन अप पे क्लिक करना है साइन अप पे आप क्लिक करोगे अपना ई एड्रेस डाल देना यहाँ पे आप अपना फोन नंबर डाल देना ठीक है नेशनैलिटी डाल देना जो भी आपकी नेशनैलिटी हो इसके बाद साइन अप कर लेना साइन अप करने के बाद आपको क्या होगा एक जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट आपसे मांगी जाएगी आप वो सारी उसे दे देना सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है पासपोर्ट कवर पेज एंड बायो पासपोर्ट एग्जाम्पल मैं आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये काम करता है ठीक है मैं जूम करता हूँ सबसे पहले आपका ये जो पासपोर्ट पे इस तरीके कुछ इन्फॉर्मेशन होगी आपका जो भी मिस्टर मिसेस है ये लिख देना अपना प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे मैंशन कर देना सॉरी एड्रेस नहीं फर्स्ट uh, नेम जो भी पासपोर्ट पे आपके नेम लिखे होंगे वो मेंशन कर देना मिडिल नेम अगर कोई हो इसके बाद सर नेम मैंशन कर देना जेंडर डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट नंबर पासपोर्ट इश्यू डेट पासपोर्ट एक्सपायरी डेट प्लेस ऑफ इशू ठीक है इस तरीके से वो फॉर्म दिया रहेगा उसमें सारी चीजें उसमें मेंशन रहेगी आप लिख के दे देना ठीक है बाकी इसमें साइन बने हुए हैं आप देख सकते हो कहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन है और बाकी मैंने पहले जो बताया था सेम चीज है एक चीज और है मैं बताना भूल गया था इसमें याद रखना पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो तीस दिन से कम की नहीं होनी चाहिए हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे याद रखना एंड एक ये लिखा है वन एग्जैक्टली पेज अवेलेबल फॉर वीजा स्टैंपिंग हाँ देखो जब भी आप इमिग्रेशन ऑफिसर परमिशन देंगे उसके बाद वो एक स्टैंपिंग करते हैं आपके पासपोर्ट पे तो एटलीस्ट एक पेज खाली रहना चाहिए उसके लिए ठीक है इसके बाद फ्लाइट की डिटेल इन्फॉर्मेशन अब देखो फ्लाइट की डिटेल इन्फॉर्मेशन में मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखो अराइवल भी है डिपार्चर भी है आपकी फ्लाइट की आने की जाने की सारी डिटेल इसमें होनी चाहिए और जो फ्लाइट है वो पूरी कंफर्म होनी चाहिए पेमेंट वगैरह सब कुछ हो जाना चाहिए ठीक है इसमें आपकी कौन सी फ्लाइट है वो लिख देना कौन सी एयरपोर्ट पर जाएगी अराइवल डेट क्या है टाइम क्या है कौन सी एयरलाइन है अपना पीएनआर नंबर लिख देना फ्लाइट का जो नंबर है वो लिख देना कंट्री वेयर यू बोर्डेड ठीक है तो तुम इंडिया से जाओगे तो इसमें इंडिया लिख देना ठीक उसी तरह सेम तुम्हें अराइवल और डिपार्चर दोनों में आपको सेम इस तरीके से लिख देना है कहाँ से आपका क्या चीज है ठीक है फ्लाइट के टिकट जो मिलेगी उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी रहेगी इस टाइप का फॉर्म मिलेगा आप उसमें लिख देना इसे ठीक है अब अब उसके बाद अपन अपन नीचे आते हैं। अब अपन यहां पे आते हैं हैं पे जो भी आपको फ्लाइट मिले, जो भी आपको फ्लाइट की डिटेल रहेगी उसमें आप ये देख लेना इलेक्ट्रॉनिक टिकट रिसिप्ट इसमें जो भी फ्लाइट की डिटेल है प्रॉपर मेंशन करना और हाँ ये स्क्रीनशॉट वगैरह आप देख सकते हो जैसा कि इन्होंने इसमें फ्लाइट की टिकट जो है वो प्रॉपर इसमें लिखी हुई है दी हुई उन्होंने सारे इन्फॉर्मेशन इसमें दिए हुए हैं इनफैक्ट लास्ट में उन्होंने क्या किया देखिए लिखा फुल्ली पेड कंफर्मेशन राउंड ट्रिप टिकट एंड इट्स यूजल विच इस डेज सिंस डेट ऑफ एंट्री ठीक है इसमें पेमेंट की उन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह ए टू जेड सारी चीजें उन्होंने मेंशन किए हुए हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि उनकी फ्लाइट बस उन्होंने बुक कर लिया है पेमेंट नहीं किया है ऐसे में थोड़े से चांसेस होते हैं आपको डिपोर्ट करने के ठीक है अब आता है एकमोडेशन डिटेल कौन से होटल में कहा रहना इसके लिए आप बहुत सारे एप्लीकेशन है आप वहां से होटल्स की बुकिंग करके आप दिखा सकते हैं इसके लिए देखो आप क्या कर सकते हो ना दो चार दिन का आप मतलब टिकट होटल बुक कर लो उसके बाद आप आगे पीछे भी कर सकते हो कोई इशू नहीं है बाद में कैंसिल भी मार सकते हो अगर ऐसी नीड लगे तो वरना कोई इशू नहीं है ऐसा तो accommodation आप लिख देना होटल है या फिर गेस्ट हाउस है या फिर हॉस्टल है जो भी हो आपका उसका नाम किस सिटी में है डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट उसका एड्रेस और कोड ठीक है और ये रिसिप्ट ऐसी एक प्रिंटिंग कर लेना इसकी भी तुम लोग इसी तरीके से और एड्रेस लिख देना किस कंट्री ऑफ एप्लीकेशन रेजिडेंस परमानेंट एड्रेस स्टेट इज दिस योर फर्स्ट ट्रिप टू थाईलैंड जो भी हो भैया तुम्हारा पहला हो दूसरा हो लिख देना अपना एक अपना ऑक्यूपेशन लिख देना, नेम ये सब देना कोई बच्चा अगर है तो ये भी लिख देना कोई चाइल्ड हो तो ठीक इस तरीके से तो इसमें इसमें है, ठीक है तो इस तरीके से तुम ये कर लेना और इस तरीके से आप करके आप इसे पूरा प्रॉपर फिल करके दे देना आपको ट्वेंटी फोर आवर्स से सेवेंटी टू आवर के बीच में जो ई वीजा ऑन अप्रूवल का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने सारी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर और एकदम सही तरीके से दी होगी इसके बाद आप इसमें ये पढ़ सकते हो एफ ए क्यू फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन अगर कुछ मेरा छूट गया हो बताना तो आप इसमें से देख के पढ़ सकते हो या फिर कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी कमेंट का रिप्लाई करने का हो और थाईलैंड का जो भी आपका वीजा है वो जल्द से जल्द लगे आप घूमने जाइए एंजॉय कीजिए घूमिए फिरिए और ऐसे ही ट्रैवल आयुष की वीडियो देखते रहिए और नए ट्रैवलिंग के वीजा की सीरीज में तब तक के लिए बाय बाय